बिना तंदूर के हम पनीर टिक्का घर पे कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के आज मैं आपको दो बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी। तो चलिए घर पे बिना तंदूर के पनीर टिक्का बनाना शुरू करते हैं। आज जो हम घर पे तंदूरी पनीर टिक्का बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे पनीर लिया है और ये पनीर 300 ग्राम है। पनीर के हम बहुत ज़्यादा पतले और छोटे पीस कट नहीं करेंगे। तंदूरी टिक्का बनाने के लिए हमें पनीर के थोड़े बड़े पीस और मोटे पीस ही कट करने होते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से स्क्वायर पीस इसके कट कर लिए हैं और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है और शिमला मिर्च की भी पीस हम स्क्वायर में ही कट करेंगे। और यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, प्याज को भी मैंने स्क्वायर पीस में ही कट कर लिया है। अब हम पनीर टिक्का के लिए मैरिनेट मिक्सर बनाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप दही लिया था और हमें इसके लिए गाढ़ा दही चाहिए होगा, इसलिए मैंने आधा घंटे पहले स्ट्रेनर पे दही को रख दिया था ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो सारा निकल जाए। और आप देख ही सकते हैं कि बाउल में सारा एक्स्ट्रा पानी आ गया है और अब हम अपने दही को मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे और अब हम अपने दही में थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एक छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च भी आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैंने डेढ़ छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है और साथ ही इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और काला नमक डाल देंगे एक छोटा चम्मच और थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी डाल देंगे एक छोटा चम्मच। और खट्टेपन के लिए मैं इसमें दो नींबू का रस ऐड कर देती हूँ और एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी है, इसको हम अपने हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए इसमें डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। और यहाँ पे मैं तीन बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ और इसमें आपको कलर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च में कलर आ जाता है और ये तीखापन भी इसमें कम होता है। अगर आप तीखी लाल मिर्च का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कलर भी ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ही ऐड कर रही हूँ। और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तीन बड़े चम्मच भुना बेसन लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। बेसन आप इसमें जब भी ऐड करें तो उसको भून कर ही आपको इसे ऐड करना है, कच्चा बेसन आप इसमें ऐड नहीं करें। आप देखिए अरे मिक्सर में कितना बढ़िया कलर आ गया है। और अगर आपको कलर कम लगे तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का और यूज़ कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने तड़का पैन में लगभग तीन बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। तेल को हमें गर्म करना होगा तब तक जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे, पर गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको गर्म कर लेंगे। और अब जो है सरसों के तेल में से धुआं निकलना शुरू हो गया है, मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। और हमने जो ये मैरिनेट मिक्सर बनाया है इसमें हम गर्म किया हुआ सरसों का तेल डाल देंगे। और बहुत ही सावधानी से चम्मच से इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे आप सिर्फ सरसों के तेल का ही यूज़ करिएगा, किसी भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ बिल्कुल ना करें। सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है जब हम पनीर टिक्का बनाते हैं। और हमारा मैरिनेट मिक्सर एकदम तैयार है और कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है, पर अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और भी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे, प्याज और शिमला मिर्च और पनीर भी ऐड कर देंगे। और अब हम अपने हाथों से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे क्योंकि जो पनीर है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, अगर आप यहाँ पे स्पून का यूज़ करेंगे तो वो टूट भी सकता है। तो इस तरीके से आप अपने मिक्सर को पनीर पे और शिमला मिर्च और हमने जो इसमें प्याज डाला है सारी चीज़ों पे अच्छे से लपेट देंगे। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को मैरिनेट मिक्सर से अच्छे से कोट कर दिया है और सारी चीज़ों को हम इस तरीके से करते हुए छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। और इनको आधे घंटे के लिए छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि सारा फ्लेवर हमारे पनीर और शिमला मिर्च और प्याज में चला जाए। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो उससे और भी अच्छा स्वाद आएगा। तो पहले मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ।
आधा घंटा हो गया है और अब हम अपने पनीर टिक्का को रेडी कर लेते हैं। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन ले लिया है और इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे। पनीर टिक्का बनाने के लिए आप नॉनस्टिक पैन ही लीजिएगा, और अगर आप लोहे के तवे पे बनाएंगे तो उसमें प्याज और शिमला मिर्च तो नहीं चिपकेगा, पर पनीर चिपक जाता है तो उसका टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आप इसे नॉनस्टिक पैन में ही बनाइएगा। हम इस तरीके से बटर को पूरे पैन में लगा लेंगे और पैन में हम अपने सारे पीसेस इस तरीके से अलग अलग रख लेंगे। तो ये देखिए, मैंने काफ़ी सारे पीसेस पैन में रख दिए हैं और हम इन्हें बीच बीच में पलटते रहेंगे। और शुरू में आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम से हाई के बीच में रखिएगा और फिर आप मीडियम फ्लेम पे करते हुए हमें सारी चीज़ों को लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ही तलना होगा, और उससे ज़्यादा आप इनको ना तलें क्योंकि जो पनीर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। बस हल्का हल्का हम कलर चेंज हो जाने तक ही इनको तलेंगे। अब ये देखिए, और पलटते हुए हम इनको चारों तरफ से अच्छे से तल लेंगे। और अब पैन काफ़ी गर्म हो गया है तो मैं गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देती हूँ। तो अब देखिए, टोटल 4 मिनट हो गए हैं और पनीर पे भी काफ़ी अच्छा सा कलर आने लगा है, और हम इसको बहुत ज़्यादा पनीर को नहीं पकाएंगे वरना ये हार्ड हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया। और ये देखिए, इन पर कलर आने लगा है, प्याज और शिमला मिर्च भी अच्छे से सिक गए हैं। तो मैं गैस का फ्लेम बंद करके इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से बाकी मैं और भी पीस सेक के रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने सारे पीस प्लेट में निकाल लिए हैं, और ये देखिए जो हमारा पनीर का पीस है, मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा जो पनीर है वो अभी भी सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पकाएंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप पैन में इसको बनाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एक बैच को तलने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही समय लगाएं, इससे ज़्यादा समय ना लगाएं। अब जो हमारे पनीर टिक्का के ये पीसेस रह गए हैं, इन्हें हम डायरेक्ट गैस पे ग्रिल करके बनाएंगे। इससे हमारे पनीर टिक्का में बहुत ही हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आएगा, और उसके लिए हमें इस तरीके की ग्रिल स्टिक चाहिए होगी। ये मेटल की है, इसमें लकड़ी की भी आती है, पर उसे आप सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। मेटल की काफ़ी अच्छी होती है और इसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके की स्टिक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हमें अपनी स्टिक को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पनीर का पीस नहीं लगाएंगे, पहले हम शिमला मिर्च का पीस लगा लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है ना, तो निकलने का कोई डर नहीं रहता। इस तरीके से हम इसमें सारी चीज़ों के एक एक करके पीसेस लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 स्टिक बना के रेडी कर लिए हैं। तो डायरेक्ट गैस पे ग्रिल करने के लिए मैं इस तरीके के रोटी बनाने वाले स्टैंड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप बगैर इसके भी बना सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इस तरीके से हम इसको ग्रिल करेंगे। थोड़ा सा दूर से ही करेंगे, बहुत ज़्यादा गैस पे हमें इसको नहीं रखना है, एकदम से हल्के हल्के आंच पे करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो आप देख ही सकते हैं, हल्का हल्का इसका कलर चेंज होने लगा है। ये देखिए, कितना बढ़िया कलर आने लगा है इस पर। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और इसको हम स्टैंड पे रख देंगे इस तरीके से। फिर से गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। देख ही सकते हैं, इसमें चारों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा हमें इसको रोस्ट नहीं करना है। देखिए, हमारी एक स्टिक एकदम रेडी हो गई है, तो मैं दूसरी भी रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, बिना तंदूर के पनीर टिक्का बनके एकदम तैयार है, और इसे मैंने पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। इस रेसिपी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पुदीने की चटनी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।